नमस्कार, मैं शुभम गुप्ता और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 का आगाज 30 मई से क्रिकेट के जन्मदाता इंग्लैंड में होगा। क्रिकेट का विश्व विजेता बनने के लिए हर एक टीम अपनी जान झोंकने को तैयार है, जिसके लिए हर एक टीम ने वर्ल्ड कप के लिए अपने 15 खिलाड़ियों का चयन भी कर लिया है। लेकिन इस बार का विश्व कप हर बार के विश्व कप से अलग होगा। जी हाँ, इस बार वर्ल्ड कप में ICC की ओर से कुछ बदलाव किए गए हैं, जिसमें कि अब की बार राउंड रोबिन मेथड का इस्तेमाल किया जाएगा। इससे पहले भी एक बार राउंड रोबिन मेथड का इस्तेमाल वर्ल्ड कप में किया जा चुका है, जो कि 1992 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की संयुक्त मेजबानी में हुए विश्व कप में इस्तेमाल किया गया था, और इस विश्व कप को पाकिस्तान ने अपने नाम किया था। लेकिन 1996 वर्ल्ड कप से एक बार फिर ग्रुप फॉर्मेट ने जगह ले ली थी। वहीं 1999 में इंग्लैंड में ही खेले गए विश्व कप में ग्रुप दौर के बाद सुपर 6 दौर को शामिल किया गया था, जो दक्षिण अफ्रीका में 2003 में खेले गए विश्व कप में भी जारी रहा था। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि रोबिन मेथड होता क्या है, तो आइए हम आपको बता देते हैं कि राउंड रोबिन मेथड खेल टूर्नामेंट का एक नियम होता है, जिसमें सभी टीमों को अपने सारे मैच खेलने होते हैं। आमतौर पर देखा गया है कि इसका क्रिकेट में ही इस्तेमाल किया जाता है। अब की बार के वर्ल्ड कप में 10 टीमें इस कप के लिए जदोजहद करती दिखेंगी और हर एक टीम को 9 मैच खेलने होंगे। 46 दिनों तक चलने वाले इस विश्व कप में कुल 48 मैच खेले जाएंगे। टेबल में टॉप 4 टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी और फिर दो टीमों के बीच 14 जुलाई को क्रिकेट के मक्का कहे जाने वाले लॉर्ड्स मैदान पर खिताबी जंग होगी। इस विश्व कप में पहले के मुकाबले टीमों की भी संख्या घटा दी गई है, जिसमें कि पिछले विश्व कप में 12 या 14 टीमें हिस्सा लेती थी। लेकिन इस बार क्वालिफिकेशन में भी बदलाव किए गए थे। लेकिन हम आपको बता दें कि राउंड रोबिन मेथड का इस्तेमाल IPL में भी किया जाता है। विश्व कप में इस नए बदलाव को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी वर्ल्ड कप से जुड़े किस्से जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़े और बेल आइकन को भी दबा दें। धन्यवाद।